हम अपना पानी मंगवा सकते थे। इससे बहुत ही ज्यादा परेशान है, जहाँ तक हमारे पत्थर होगा देरिये रखे हुए से 20 साल हो गया, हमारे देरिये का बांध टूट। सर हमें जम्मू में आने का कोई शौक नहीं था, इतनी गर्मी में कोई घर से बाहर निकलने का भी किसी को शौक नहीं होता, लेकिन सर ये कोविड भी चल रहा है, इसमें हमें घर से बाहर निकलने का कोई शौक नहीं था। हमारी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम आज यहाँ पे जम्मू में आए हैं, एक मोहल्ले के सभी लोग। सर पिछले 20 साल से हमारे मोहल्ले में पानी की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशानी से जूझ रहे हैं। तो सर अगर बात की जाए कि 20 साल से पहले कोई पूछे कि हम पानी कहाँ से लाते थे, तो सर हमारी मोहल्ले के बैक साइड में एक चश्मा था, तो जहाँ पे सर अब एक सत्संग घर बना, उनने अपनी तार बंदी करके उसको बंद कर दिया, तो हमें अब वो भी नहीं, हम बहुत ही मुश्किल से जूझ रहे हैं। अभी ना हमारे पास कोई रोड की कनेक्टिविटी जिससे हम कोई पानी का टैंकर भी मंगवा सकें, ना ही हमारे पास पानी की कोई सुविधा उपलब्ध है। हमने सर ऊपर से लेकर नीचे तक सब जगह अप्रोच किया, आज तक हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई, इसलिए आज हमको जम्मू में आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। सर हमने सबसे बात की लेकिन कोई किसी का भी हमें कोई मतलब सही रिस्पांस नहीं आया, आज तक कोई पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई। सर बहुत जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि धैर्य रखो, सर 20 साल से देरी रखा लेकिन अब देरी का बांध टूटने जा रहा है। सर पानी की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ जो जम्मू से उधमपुर को जोड़ने वाला हाईवे है 4-वे, इसको पार करके हैंडपम्प आता है, वहाँ पे हमें पानी लेने जाना पड़ता है। तो सर बहुत बड़ा मोहल्ला है जिसके लिए वहाँ पे पानी भी पूरा होना मुश्किल है, वो हैंडपम्प भी बार बार ख़राब हो जा रहा है, तो हाईवे पार तो हम लोग सर कर नहीं सकते। हम लोग ज़्यादातर हैं दिहाड़ीदार लोग, सर हमें दिहाड़ी लगाने भी जाना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे जो सर आप देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं गाड़ियों की हाई स्पीड की वजह से। सर छोटे छोटे बच्चों को उस पार भेजना भी बहुत ही बड़ा एक रिस्क है, मतलब जान का रिस्क है। मेरी गवर्नर जी से यही अपील है कि हमें जल्द से जल्द पीने का पानी उपलब्ध किया जाए। सर हम बहुत ही मुश्किल में, हमारा कोई ना कोई संज्ञान लिया जाए, नहीं तो सर अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता रोडों पे आने का, सर जो हम नहीं चाहते। सर मेरा डैडी मरी है, उत्थे पानी नहीं थोड़ा हमें नहाने, एक बाल्टी आती है बच्चे बड़ दूर आता जाइए है, और नहाती है कपड़े भी उंगों में भेजते हैं साढ़े ये को लागे, और क्या मजबूरी है। असं जो अस उ आए थे तो इ मजबूरी दिखी, अस पैपा तो है नलके लगे दे, आखते पानी चढ़ता नहीं है, इतने सारे सुनाओ आखते आई जाता आई जाता, हफ्ते का एक बार देगे उस हफ्ते छोड़ी महीने का भी दिते, हूँ महीना हो गया मेरे डैडी ने मारे दे, कपड़े उंगा गए पेदे साढ़े इन्हें। पानी आना चाहिए, रस्ता आना चाहिए, रस्ता बनना चाहिए, रस्ता हो चलो बंदा दूरा भी आई सकता, रस्ता भी नहीं है तो इं भी नहीं चुना है।